हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ईकेवाईसी अभी चल रहा है उसका प्रोसेस। अभी आप ओटीपी के माध्यम से भी आप आराम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से वो भी एकदम फ्री में कर पाएंगे। अभी कुछ लोगों के उसमें दिक्कत आ रही है, उन सभी का सोल्यूशन लेके आया हूँ इस वीडियो में मैं, कि किसी का ओटीपी नहीं आ रहा, किसी के मोबाइल एग्जिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है तो किसी का सबमिट नहीं हो रहा, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं मोबाइल के माध्यम से ही बताऊँगा कैसे आपको सोल्व करना है उस प्रॉब्लम का। पहले आपको पीएम किसान की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लीजिए, pmkisan.gov.in। वो ओपन करके जैसे ही आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे, आप ईकेवाईसी वाले पेज पे चल देते हैं हम। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप गाइडलाइन पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अभी ओटीपी बेस्ड ईकेवाईसी अभी अवेलेबल है पोर्टल पे, अभी चल रहा है, अभी हो रहा है ओटीपी से, अभी आपको सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अभी फ्रेंड्स इसमें हम उनके बारे में भी बात करेंगे जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार से या लिंक नहीं है आधार से, उनके बारे में बात करेंगे कि वो किसान कैसे अपना कि ई के वाई सी कर पाएंगे, ठीक है। उनके बारे में सभी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो जो जिस किसान का अभी ई के मतलब आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनको फिंगरप्रिंट के थ्रू ई के वाई सी करवाना पड़ेगा किसी भी सी एस सी सेंटर के पास जाके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ई के वाई सी वाले फॉर्मेट पे चलते हैं। ई के वाई सी पे हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे कई बंदों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि वो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो लेकिन उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जिस्ट दिखा रहा है वो मोबाइल नंबर मत डालिए, आप दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर आपके किसी फैमिली मेम्बर का डाल दीजिए, कोई भी मोबाइल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि वो आधार से रजिस्टर्ड ही हो, आप कोई भी डाल दो यदि आपका एग्जिस्ट दिखा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं डाल के गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं इसको आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आप इसमें दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। और गेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास ओटीपी आ जाएगा तुरंत, जो आपने भी मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर वो ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, जो पीएम किसान की तरफ से आएगा, किसान वेबसाइट से उसकी तरफ से। ये मैं डाल देता हूँ, और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सबमिट ओटीपी के बाद अभी यहाँ पे गेट आधार ओटीपी, अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके आगे नहीं आ रहा आधार ओटीपी नहीं आ रहा है, उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। देखो अभी मेरा एकदम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और मेरा आधार ओटीपी भी आ गया है, ठीक है। किसी का यहाँ पे एरर आ रहा है, इसके आगे नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी दिक्कत क्या है कि वो या तो लेट नाइट ट्राई करे या फिर जल्दी सुबह ट्राई करे, क्योंकि साइट बहुत बिजी चलती है दिन के टाइम में, तो आप या तो सुबह ट्राई करें या फिर लेट नाइट ट्राई करें तो आपका ये भी पक्का आपका आधार ओटीपी भी आ जाएगा, और ये 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। और ये कहाँ से आएगा, ये UIDAI जो आपकी साइट है वहाँ से आपका ये ओटीपी 6 डिजिट का आ जाएगा। मैं डाल देता हूँ, ये डाल के आप सबमिट फॉर अथॉरिटी पे क्लिक कर देते हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबमिट फॉर ओथ पे क्लिक करके आपको वेट करना है थोड़ी देर। इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ी देर वेट करेंगे, आपको ऊपर यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली का, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये साइट बिजी चलती है और वो आपका डाटा
आधार वेबसाइट से फीच करता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। सबमिट करने में भी कोई दिक्कत होगी नहीं होगी आपको। बस आप यही थोड़ा ध्यान रखना, दिन के टाइम इसको अवॉइड करो, सुबह शाम करने की कोशिश करो, ताकि आपका एक ही बार में सक्सेसफुली हो जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।